उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। उसके बाद भी उनका आतंक कम नहीं हुआ है। 10 सितंबर की रात अकेले बचे खूंखार लंगड़ा सरदार भेड़िये ने हमला कर दिया, जिसमें 11 साल की बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। उसे इलाज के लिए महसी CHC में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को ही 5वें भेड़िये को पकड़ा था। इसके बाद भेड़िये ने देर रात बच्ची पर हमला कर दिया। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी उनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता है तो ये खूंखार आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। जब बीते मंगलवार को मादा भेड़िये को पकड़ा गया, उसके बाद देर रात उसके नर भेड़िये ने मासूम पर हमला कर दिया। बहराइच में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महसी तहसील में चल रहे ऑपरेशन भेड़िया अभियान के तहत मंगलवार को 5वां भेड़िया पकड़ा गया। यह अभियान 6 भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। झुंड ने जुलाई से अब तक 8 लोगों की जान ली है और 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि 5वां आदमखोर भेड़िया हर भंसपुर गांव के पास घाघरा नदी के पास पकड़ा गया। उन्होंने कहा, अब झुंड का आखिरी भेड़िया जो लंगड़ा है वही बचा है। उम्मीद है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को सोमवार रात को इलाके में भेड़िये के पैरों के निशान मिले थे। रात में ऑपरेशन नहीं हो पाने के कारण सुबह वन विभाग की टीम वहां पहुंची और इलाके को घेर लिया। भेड़िया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वन विभाग द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। ग्रामीणों की मदद से वन कर्मियों ने भेड़िये को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक जब तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, तब तक खतरा बना रहेगा। 17 जुलाई से चल रहे अभियान ऑपरेशन भेड़िया का उद्देश्य बहराइच जिले की महसी तहसील के 50 गांवों में आतंक मचाने वाले 6 भेड़ियों के झुंड को पकड़ना है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 25 टीमें लगी हुई हैं। इससे पहले बहराइच में भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए 200 पुलिसकर्मियों और देखकर ही मार गिराने वाले 18 शूटरों को इन गांवों में तैनात किया गया था। घसीट लग रहा है, सोईत रहा। तो जब तो भैया लोग भागे तब भागा वो? हाँ। कैसा दिखत रहे? हाँ? कैसा दिखत रहे? वो हमका घसीट लेके गवा, तो हमका सब झलरा करे डाल रहे। तो हम एक बजे हनका चिल्लायन, तो वो मई को दादा मार उठा, तो मारिस तब भाग चला गवा धान ही धान। किस तरह का दिखता था, देखा उसको? देख पाई थी बाद? हाँ। कैसा था वो? कुतौए मेर के रहा था, भूरा भूरा, इतना बड़ा मूड आए। वो हमला हो गई, भेड़िए आए थे, घर में सो रहे थे और घर में से खींच के लेके गया सड़क तक। किस पर हमला किया था? ये बहन पा मेरा। तो क्या सो रहे थे रात में? सो रहे थे। दरवाजा और वाजा नहीं है। कहाँ पे सो रहे थे? वो घर में। घर में क्या, कैसे पता चला, क्या हुआ? जैसा जब घसीट के ले गए थे, वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था, धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा ही नोड़े ने। तो आप भी पीछे पीछे भाग गए? हाँ, भाग गए। क्या जानवर, कैसे पता चला कि कैसे, कौन जानवर था? ये भेड़िए। कैसे पहचाना? पहचाने वो जब गले पकड़े, ये सब पूरा दांत साथ लग गया, ये सब पूरा। तो हुलिया कैसा था, क्या बड़ा था, कैसा था? बड़ा था। अच्छा। हाँ। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं, कुत्ता नहीं। तो कहाँ भागा वो फिर? वो धान के खेत में भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया था क्या? हाँ, दौड़ के गए थे, ले वो भगता चला गया।